फजूल में मुबतला मुसलमानों को नहीं खरीद सकती। वह इंसानी हुकूक है भाई, किस चीज के हुकूक है? कचूबी जो बोलता है, ये आज का मसला नहीं, बेनजीर का दौरे हुकूमत का। तो सलामत मसीह और रहमत मसीह ने सरकार की शान में गुस्ताखी की, तो सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी। तो यहां पर हाई कोर्ट से बैन अल-अक़वामी दबाव था, तो जनाबे वाला हाई कोर्ट से उसको रिहा करवा दिया। और बेनजीर उस वक्त वजीर आजम थी, बेनजीर साहिबा ने उनको जनाबे वाला डॉलर वीजा पासपोर्ट बना के दिया और रातों रात जर्मनी भिजवा दिया। प्रोटोकॉल देखे, आज वो अपने मुल्क में नहीं आ सकते। ये फितना उठा कि सजा को हल्का किया जाए। वो सजा क्या है? 295C 295C ये आईन के अंदर, आईन में है। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तुम समझो हुकूमत के लोगों, एजेंसियों के कारिंदों, तुम समझो उसमें ये है कि जो कोई भी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम या किसी अंबिया कराम अमरीका को इंसानी हुकूक याद दिलाओ, इसलिए कि तुम तो कर्ज पर पलते हो, तुम क्या हुकूक किसी को याद दिलाओ? हम मैं और आप नहीं, ये हमारे अयाश हुक्मरान ये करते खा जाते, हम लोग नहीं खाते, हम तो मेहनत मजदूरी करते। ये हमारी गलियों में जो सड़कें बनी है, इस नाम पर कर्जे लेते हैं ये ऊपर। ये जिंदगी में एक मरतबा बनी होगी, कागजों में कई मरतबा बन गई होगी। ये डीसी कमिश्नर इसलिए इनके कि ये ज्यादातर अमरीका से तालीम हासिल करके आते हैं, इन्होंने भी ये इन बजटों में खाया हुआ होता है। तो ये सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम लोग डरते नहीं है, इसलिए कि ना कर्जा बैंक से लेते हैं, ना हुकूमत की परवाह है, ना वजीर बनना है, ना इन सीटों पर आना है। 295C का कानून ये है कि जो कोई